हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल के आज के इस प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। देखिए, आज जो हमारे चर्चा का विषय है वो माह जनवरी 2021 का राशिफल, के जनवरी महीने में आप 12 राशियों के जो जातक हैं उनके लिए ग्रहों की स्थिति के अनुसार कैसा रहेगा पूरा महीना। तो आइए जानते हैं कि इस जनवरी महीने में 2021 ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, कौन से ग्रह अपने कौन से घर में कहाँ बैठे होंगे, किस राशि में होंगे, किस स्थिति में होंगे, पहले तो हमको यही जानना चाहिए। उसके उपरांत फिर हम आपसे चर्चा करेंगे आपके राशिफल के विषय में। तो आइए आरंभ करते हैं ग्रहों की गोचर स्थिति के, भाई गोचर में वर्तमान में यानी कि माह जनवरी में ग्रहों की स्थिति क्या है। तो देखिए, सूर्य जो हैं वो वर्तमान में अपनी मित्र राशि जो उनकी धनु है उसमें संचार कर रहे हैं, लेकिन 14 जनवरी को ये इस राशि से निकल करके अपनी शत्रु राशि मकर में प्रवेश करेंगे। इसी माह मकर संक्रांति भी आती है और वो इसीलिए ही आती है कि सूर्य जब मकर राशि में होते हैं तब ही मकर संक्रांति आती है। मंगल इस पूरे महीने अपनी स्वयं की राशि मेष में उदय और मार्गी अवस्था में संचार करते रहेंगे। बुध जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि धनु में संचार कर रहे हैं, वह 5 जनवरी को इस राशि से निकलकर अपनी सम राशि ही मकर में प्रवेश करेंगे मार्गी एवं अस्त अवस्था में, लेकिन 11 जनवरी को ये इसी राशि में उदय होंगे पश्चिम में, और फिर 25 जनवरी को ये मकर राशि से भी निकलेंगे और अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे, तथा 30 जनवरी को ये वक्री चाल चलना आरंभ करेंगे। गुरु की क्या स्थिति रहेगी? गुरु अपनी सम राशि एवं नीच राशि मकर में अपने सम ग्रह शनि के साथ पूरे माह इसी राशि में ही संचार करते रहेंगे, लेकिन 17 जनवरी को ये पश्चिम में अस्त होंगे। शुक्र वर्तमान में अपनी सम राशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं, लेकिन 4 जनवरी को ये इस राशि से निकल करके अपनी सम राशि धनु में प्रवेश करेंगे, तथा 28 जनवरी को ये इस राशि से भी निकलेंगे तथा अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे उदय एवं मार्गी अवस्था में। शनिदेव अपनी स्वयं की राशि मकर में अपने सम ग्रह गुरु बृहस्पति के साथ तथा 5 जनवरी से 25 जनवरी तक अपने मित्र ग्रह बुध के साथ तथा 14 जनवरी से अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ इस माह के अंत तक साथ रहने वाले हैं, तथा 7 जनवरी को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे शनिदेव। राहु की स्थिति कैसी रहने वाली है जनवरी में? देखिए, राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह संचार करते रहेंगे। केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। तो देखिए, ये जो हमने अभी चर्चा की थी आपसे, जो जनवरी 2021 का महीना है उसमें जो इन ग्रहों की क्या क्या स्थिति है उसके विषय में आपको जानकारी दी है, और इसी के आधार पर जो 12 राशियां हैं जिनका राशिफल हमारे द्वारा तैयार किया गया है, जिसकी हम चर्चा एक एक करके अब आपसे करने जा रहे हैं, वो इसी आधार पर है ग्रह गोचर पर। दूसरी बात, आपको एक चीज़ हम और बताना चाहते हैं कि हमारा जो ये हम राशिफल आपके लिए लेकर के आते हैं प्रत्येक माह, या दैनिक राशिफल भी जो लेकर के आते हैं आपके लिए, या जो वार्षिक राशिफल लेकर के आते हैं, राशिफल जो भी आपके लिए लेकर के आते हैं वह लग्न राशि पर पूर्णतया आधारित होता है। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई संशय
नहीं होना चाहिए। हमारा जो ये तैयार किया हुआ है राशिफल, ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, ये लगन राशि पर आधारित है। तो आइए अब आगे चर्चा करेंगे आपसे आपके राशिफल के विषय में। जो हमारे मीन राशि के जातक हैं उनके माह जनवरी 2021 के राशिफल के विषय में हम बताने जा रहे हैं, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा से पहले आपको यह आवश्यक संदेश भी देना चाहते हैं कि जब भी हम राशिफल लेकर के आते हैं आपके सम्मुख, 12 राशियों का जो राशिफल होता है, चाहे वो दैनिक राशिफल है चाहे वो मासिक राशिफल है, तो हम हमेशा अंत में राशिफल के उपाय अवश्य बताते हैं। और हमारे जो उपाय होते हैं बहुत छोटे और बहुत सरल उपाय होते हैं ताकि लोग उनको आसानी से कर सकें नित प्रतिदिन। और कुछ उपाय हम ऐसे ही होते हैं जो सप्ताह में एक ही दिन करने होते हैं, वो प्रतिदिन या नित प्रतिदिन नहीं करने होते हैं। तो देखिए उनके करने से क्या होता है कि अगर वो उपाय आपके द्वारा किए जाते हैं तो ये जो आपके जीवन में समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है विभिन्न विभिन्न भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, तो उनसे आपको छुटकारा मिलता है और आपको का जो महीना है माह है वो बड़ा खुशगवार निकलता है। तो इसीलिए हम ये उपाय बताया करते हैं। तो अगर आप भी उपाय सुनना चाहते हैं और उनको करना चाहते हैं अपने जीवन में तो आप हमारा ये वीडियो देखिएगा और अंत में वह उपाय भी आप अवश्य सुनिए। तो आइए आरंभ करते हैं आप मीन राशि के जातकों का माह जनवरी 2021 का राशिफल और जानेंगे कि आपका व्यवसाय इस माह कैसा चलने वाला है। तो इस माह आप मीन राशि के जातकों के व्यवसाय के जो भाव में सूर्य और शुक्र की एक साथ युति बन रही है और यह स्थिति इस माह के मध्य तक बनी रहने वाली है, तो इस माह के आरंभ से ही आपके अपने कार्यक्षेत्र यानी चाहे आप रोजगार कर रहे हैं या फिर अपना कोई व्यापार कर रहे हैं, आपकी प्रतिष्ठा में बहुत अच्छी वृद्धि होगी तथा आपका अपना कद भी अपने विभाग में तथा समाज में काफ़ी ऊंचा होगा, यानी कि आपको कोई विशेष जिम्मेवारी भी या कोई विशेष पद की प्राप्ति भी आपको इस अवधि में हो सकती है। हालांकि माह के मध्य से सूर्य यहाँ से इस राशि से निकल जाएंगे और मकर राशि में प्रवेश करेंगे जो कि उनकी शत्रु राशि है, लेकिन आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलताएं निरंतर मिलती रहेंगी तथा आपको आपके कार्यों के लिए मान सम्मान के साथ साथ आपके यश में भी वृद्धि होगी और यह स्थिति माह की 28 तारीख तक बनी रहेगी। हालांकि आपके व्यवसाय के जो घर के स्वामी की स्थिति बहुत कमजोर बनी हुई है, नीच अवस्था में होने के साथ साथ 17 जनवरी से गुरु बृहस्पति अस्त भी हो रहे हैं, लेकिन आपके व्यवसाय से संबंधित इतने ज़्यादा अच्छे और शुभ परिणाम सूर्य और शुक्र के कारण आपको प्राप्त होने जा रहे हैं, क्योंकि शुक्र के आपके व्यवसाय के भाव में स्थित होने के कारण बहुत ही सुंदर राजयोग का निर्माण हो रहा है। आपको अपने व्यवसायिक कार्यों को लेकर लंबी दूरी की यात्राएं या फिर विदेश यात्राओं पर जाने के भी अवसर प्राप्त होंगे, मगर इन यात्राओं से आपको पूरी तरह संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी, कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जिनके कारण आपको अपनी यात्राओं में तकलीफों का सामना भी करना पड़ सकता है। वैसे पूरे माह आपको अपने भाग्य का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा क्योंकि आपके भाग्य भाव के स्वामी मंगल बहुत ही मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं और अपने ही भाव पर उनकी दृष्टि पड़ रही है। अंत में यही कह सकते हैं कि यह माह व्यावसायिक दृष्टिकोण से बहुत ही सफलता से भरपूर हमें दिखाई दे रहा है। वित्तीय स्थिति, हालांकि आपके आय के घर में तीन ग्रहों के द्वारा बुध गुरु और शनि एक साथ विराजमान है, इनकी युति बनी हुई है, उनके द्वारा एक अच्छे राजयोग का निर्माण हो रहा है इस घर में, मगर इन राजयोगों का बहुत ही कम शुभ परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी आपको, इनके कारण राजयोग का पूरा शुभ फल आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा क्योंकि गुरु शनि और बुध तीनों की स्थिति अत्यंत कमजोर है और बुध की स्थिति तो 11 तारीख से थोड़ा सुधर जाएगी तथा साथ में, क्योंकि वो उदय हो जाएंगे तथा साथ में सूर्य के होने से आदित्य राजयोग का निर्माण भी होगा जो कि माह के अंत तक बना रहेगा और इसके कारण आय में निश्चित रूप से आपकी वृद्धि भी ये कराएगा ये राजयोग आदित्य राजयोग तथा धन का संचय भी आप बहुत आसानी से उस अवधि में कर लेंगे इस राजयोग के कारण। प्रेम संबंध, अब चर्चा करते हैं आपके प्रेम संबंधों के लेकर के। देखिए आपके अपने प्रेम संबंधों में इस माह के मध्य से अच्छी प्रगति दिखाई दे रही है होती हुई, हालांकि संबंध तो इससे पहले भी चलते रहेंगे लेकिन ज़्यादा प्रगति माह के मध्य से ही होगी।
यह मित्रता वैवाहिक संबंधों में भी बड़े आसानी से परिवर्तित हो सकती है। इस प्रकार के ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। पारिवारिक संबंध, यह पूरा महीना आपके पारिवारिक संबंधों के दृष्टिकोण से बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाला है। आपके अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण संबंध बने रहेंगे। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक संबंध भी सामान्य रूप से चलते रहेंगे। शिक्षा, इस माह छात्रों को उनकी शिक्षा संबंधित परिणाम मध्यम से ऊपर प्राप्त होंगे। संतान, आपको अपनी संतान के द्वारा कुछ मामलों में तो बहुत ही अद्भुत परिणामों की प्राप्ति होने वाली है तथा कुछ में थोड़ा सा निराश भी होना पड़ सकता है। स्वास्थ्य, माह के मध्य तक तो आपका स्वास्थ्य सामान्य दिखाई दे रहा है तथा महामध्य के उपरांत स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव दोनों प्रकार की स्थिति बनने जा रही है। अंत में, वो कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको आप करें तो करने से आपको निश्चित रूप से अपनी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त हो। देखिए, सर्वप्रथम उपाय है सूर्य देव को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के जल अर्पित करें, और दूसरा उपाय है गुरुवार के दिन धार्मिक स्थलों पर जाकर धार्मिक पुस्तक आप दान करें तथा प्रतिदिन शिव सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा, चाहे वो आप 10 ही मिनट के लिए करिएगा। और अंतिम और तीसरा उपाय है शनिवार की संध्या को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वृक्ष की परिक्रमा करें एक बार। तो ये था अंत में आप मीन राशि के जो जातक हैं उनका माह जनवरी 2021 से संबंधित राशिफल। आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाइएगा ताकि जो भी आने वाले दिनों में हमारे नए कार्यक्रमों के जो वीडियोस हैं जो कि आते रहते हैं समय समय पर, वे सब आपके पास आसानी से पहुंच जाएं और आप उनका समय अनुसार लाभ प्राप्त कर पाएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।